हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है जीएस स्पेशल। तो आज CDS 2020 का 2 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था, आज हम उसने इसकी आंसर की डाली है। तो सेट ए की हमने आंसर की डाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 97, इसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसको EAC PM भी कहते हैं, का अध्यक्ष इनमें से कौन से? आपके सामने ऑप्शन थे रतन वी पाटिल, विवेक देव रॉय, आशिम गोयल या सजिद जिनॉय। तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, विवेक देव रॉय इसके हमारे आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया था, हिल्सा किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो हिल्सा काफ़ी न्यूज़ में चल रही थी रिसेंटली इसको कंजर्व करने के लिए। तो जो इसका राइट आंसर है वो बांग्लादेश की, बांग्लादेश जिसके साथ हमारा सबसे लंबा लैंड बॉर्डर शेयर होता है वो कंट्री है। तो 97 98 का आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 99 में देखते हैं, भारतीय वायुसेना का विजयनगर एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, जिसे हाल ही में फिर से शुरू शुरू किया गया था, कहाँ स्थित है? ऑप्शन थे जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है हमारा बी, अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल में इसको सिचुएटेड किया गया है, तो न्यूज़ में था ये। 100 पूछा गया, रुस्तम टू, ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। तो हाल में कर्नाटक में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है क्या रुस्तम टू? क्या एक लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर है, परिवहन विमान, या मानव रहित मतलब अनमैन्ड प्लेन है, जिसको वायवीय वाहन मतलब अटैक्स वगैरह के लिए, एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही था डी, 100 का राइट आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ये पूछा गया था कि नारोपा, ये रिसेंटली फेस्टिवल एक्ट सेलिब्रेट किया गया था, तो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था? ये फेस्टिवल न्यू ईयर पे सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड? तो ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया था, जो हमारी नई यूनियन टेरेटरी बनी है ना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो लद्दाख वाली जो यूनियन टेरेटरी उसमें सेलिब्रेट किया गया था नारोपा फेस्टिवल। तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं, गांधी सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ये काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क गए थे यूएन के समिट में, तो वहाँ पे उन्होंने इंडिया की तरफ से इसको डेडिकेट किया था गांधी जी के नाम पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में सिचुएटेड हमारा गांधी सोलर पार्क, ये जो यूएन का हेडक्वार्टर है वहीं पर लगाया गया है। सोलर पार्क पर इंडिया काफ़ी ब्रीफली काम कर रहा है अपना, तो उसी के फील्ड में एक और इनिशिएटिव है हमारी इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा गया था कृति सियारुल मुताखेरिन, जो प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच, तो उसके बारे में वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई है जो ये कृति है, कि बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन थे सलाबत जंग, काशिम खान, गुलाम हुसैन या राम मोहन राय। तो 77 का जो हमारा राइट आंसर वो सी, गुलाम हुसैन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, जिसमें बताया गया था कि प्लासी के युद्ध का वर्णन पूरी तरह से दिया गया था, किस प्रकार से सिराजुद्दौला की हार हुई थी और किस प्रकार से उसके साथ छल हुआ था इस युद्ध में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पूछा गया था तत्वाबोधिन सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभा है, अक्सर यूपीएससी इसमें से पूछता रहता है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देवेंद्रनाथ टैगोर 1839, केशव चंद्र सेन 1857, अक्षय कुमार दत्त 1850 या द्वारकानाथ टैगोर द्वारा 1840, इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जो क्वेश्चन नंबर 79 है, इसका राइट आंसर हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, कब? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और यूएस के बीच पहली बार हुए त्रिसेवा सैन्य, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास मतलब हमारी इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों, और ऐसे इसी प्रकार से यूएसए की भी तीनों जो फोर्सेज है उन तीनों ने पार्ट लिया था। तो इसका कूट नाम मतलब इसको नाम क्या दिया गया था? सिंह विजय, हाथी विजय, बाघ विजय या ग्वाला विजय? तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, मतलब सिंह विजय, जिसको इंग्लिश में लॉयन ट्रायंफ कहा जाता है। तो 80 का आंसर हमारा हो गया ए। मैच करते चलिए, आपके कितने सही निकल रहे हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं फटाफट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? देखिए क्वेश्चन पॉलिटिक है, इसमें काफ़ी कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है, तो हम आपको इसका राइट आंसर बता दें। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 है वो बताता है, मतलब इसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर एक क्राइम करता है तो उसको एक ही क्राइम के लिए दो पनिशमेंट नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जुडिशियरी, उसको दो क्राइम एक ही क्राइम के लिए दो पनिशमेंट नहीं दे सकता, इसको कहते हैं ड्यूअल जोपार्डी, ठीक है, दोहरे खतरे की। तो ये हमारे अनुच्छेद 20 में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हमारा ए है 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था कि 86वां संशोधन जो हुआ था संविधान में 2002 में, तो इनमें से निम्नलिखित में कौन सी बातें मूल कर्तव्य में जोड़ी गई थी? देखिए इससे हमारा मूल अधिकार है उसमें भी एक प्रावधान जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य में भी, तो उसमें पूछा गया कौन सा मूल कर्तव्य में सम्मिलित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन थे ए की व्यक्तिगत और सामूहिक सक्रियता के में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी हमारा इसका राइट आंसर है कि 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको शिक्षा के अवसर प्रोवाइड करना है, उनके पेरेंट्स की, उनके अभिभावकों की
जिम्मेदारी होगी। तो 73 का हमारा राइट आंसर हो गया बी। काफ़ी सिंपल था ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 करंट अफेयर से रिलेटेड था हमारा क्वेश्चन कि अमिताभ बच्चन को हाल ही में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था फिलहाल में। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किसने यह पुरस्कार सबसे पहले पाया। देखो अमिताभ बच्चन को तो अभी मिला है, लेकिन सबसे पहले जो दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था। ऑप्शन थे पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, सौरभ मोदी या नौशाद साहब। तो जो इसका राइट आंसर था 58 का वो थी देविका रानी। देविका रानी वो पहले शख्स थी जिसे जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत के द्वारा। इसका राइट आंसर हमारा हो गया 58 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये देखो ग्रेटा थनबर्ग काफ़ी न्यूज़ में थी, आपने सोशल मीडियाज़ वगैरह पर काफ़ी वायरल हो रही थी। तो एक किशोर पर्यावरण सक्रियतावादी है जो हाल ही में समाचार में थी, कहाँ की रहने वाली, इनकी कंट्री बतानी है। ग्रेटा थनबर्ग किस कंट्री से बिलोंग करती है, स्वीडन, जर्मनी, यूएसए या कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर था 56 का वो स्वीडन से है। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग कहाँ से बिलोंग करती है, स्वीडन से। तो ये था हमारा इसका ए आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सौभाग्य योजना अगेन इंडियन गवर्नमेंट की यूनियन सेक्रेटरी स्कीम है, तो काफ़ी यूपीएससी पूछता रहता है स्कीम से। तो उन्होंने फिर आज एक और क्वेश्चन पूछा है स्कीम से, सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड। तो सौभाग्य स्कीम किससे रिलेटेड है, आपके सामने ऑप्शन थे क्या, संपूर्ण परिवार विद्युतीकरण प्राप्त करना, गरीब परिवारों को भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रदान करना, एलपीजी पर सहायिका सब्सिडी देना या मादा भ्रूण हत्या को रोकना। तो जिसका राइट आंसर था सौभाग्य किससे रिलेटेड है, बिजली से रिलेटेड, सहज हर घर बिजली योजना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया ए। ठीक है, संपूर्ण परिवार को विद्युतीकरण प्राप्त करना, गवर्नमेंट को इसमें काफ़ी अचीवमेंट्स भी मिली है, काफ़ी घरों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दी गई है। तो इसका आंसर हो गया ए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें पूछा गया था कि निसी हाल ही में न्यूज़ में थी, एक निसी ट्राइब्स जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो किस क्षेत्र में पाई जाती है, भारत के अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नीलगिरी, केरल या फिर कश्मीर की घाटी में पाई जाती है। देखो निसी जो बेसिकली पाई जाती है वो भूटान में, पर इंडिया के एक पार्ट में भी पाई जाती है जो भूटान से टच होता है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बी, कि निसी जो जनजातीय समूह है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो लोग अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी 38 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें पूछा गया था इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक थे। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक इनमें से कौन से थे। ऑप्शंस थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तो हो नहीं सकते, ऊपर के तीन में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता था, लेकिन जो इसके राइट आंसर है वो है बी, अविंद्रनाथ टैगोर थे हमारे किसके, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक। और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, 1907 में की थी। ठीक है, 1907 में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी 34 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 के दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ये कहा गया था पूर्ण स्वराज भारत को लेना होगा, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी। तो 31 दिसंबर को की गई थी, पर कहाँ पे की गई थी, जो कांग्रेस का अधिवेशन उस समय कहाँ पे हुआ था, क्या अहमदाबाद में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, लाहौर में हुआ था, लखनऊ में। देखो इसकी एक ट्रिक ये भी है कि जो उसी दिन हमने पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, फिर जो हमारा तिरंगा झंडा भी फहराया था उस दिन, वो रावी नदी के किनारे फैलाया था, रावी नदी में से कहाँ की, लाहौर। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाता है सी। ठीक है, कि 31 दिसंबर को जो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1929 में, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में। ठीक है, तो इसका 31 का आंसर हमारा क्या हो जाता है सी। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, कि महात्मा गांधी के द्वारा जो दांडी मार्च किया गया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख घटना थी, ये दांडी मार्च किस चीज़ से रिलेटेड था। देखो इसमें काफ़ी कंफ्यूज करके ऑप्शन दिया गया, क्या लोहे से, सोडियम क्लोराइड से, सल्फर से, एल्युमिनियम से। और बच्चों ने क्या पढ़ा होता है कि दांडी मार्च किससे रिलेटेड था, नमक से, लेकिन उनको नॉलेज होगी तो किससे रिलेटेड है, सोडियम क्लोराइड से। तो इसका आंसर हमारा हो गया बी 20 का हो गया राइट आंसर बी। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर, आपको कैसा लगा। अगर आप और आंसर चाहते हैं तो हमको रिस्पॉन्स दीजिए और बताइए, हम जल्दी जल्दी फटाफट और भी अपलोड्स करते रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम और क्वेश्चंस की आंसर की फटाफट अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। थैंक यू।